कन्हैया श्याम केशव गोपाल और द्वारकाधीश जैसे हजारों नामों से प्रसिद्ध श्री कृष्ण भगवान भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव जी के 8वीं संतान भी थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात मथुरा कारागार में हुआ था। वह उनका पालन पोषण यशोदा मैया के हाथ गोकुल में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 64 दिनों में ही अपने संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। नटखट कन्हैया, यशोदा मैया के दुलारे, सारी गोपियों के प्रिय ग्वाला के सखा, राधा की जान और मीरा का अभिमान, भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरे संसार को कभी नटखट बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी बंधु सखा बनकर, कभी सलाहकार बनकर और कभी कभी युद्ध भूमि में क्षत्रिय बनकर इस संसार को अनगिनत संदेश दिए हैं, जो आज भी एक कुशल जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी साबित होते हैं। तो आइए आज हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया जी के विचारों को सुनते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आप अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं। पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते, मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर, किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते।
जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोहमाया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है, और भ्रम हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, और हमारी बुद्धि का नाश होते ही हमारा विनाश होना निश्चित होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। जिसके मन के अंदर शांति होती है, उस मनुष्य से ज़्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कद्र नहीं करता, ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकता, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है, वहीं श्री कृष्ण के हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं, एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है।
जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का सच्चे मन से अध्ययन करता है वो मनुष्य संसार के मोहमाया और हर बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, गुमशुदा, उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निष्फल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें, बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और श्री कृष्ण जी के ये संदेश, ये अनमोल विचारों को रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ऊर्जा में शामिल जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।